हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका फ्रॉम आदर्स स्कूल खाई सिरगट। वेलकम टू यू आदर्स ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने इससे प्रीवियस वीडियो में जो पोइम सेक्शन है, जो पोइम का नेम था बी गुड, उस पोइम को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसके एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाई चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। MCQs दिए हैं, इनको हम करते हैं। फर्स्ट है, चिल्ड्रन कैन बी स्वीटर बाय, कि बच्चे हैं वो अच्छे कैसे बन सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं। तो हमें करेक्ट आंसर देना है। फर्स्ट है ओबेइंग दियर पेरेंट्स, पेरेंट्स का कहना मानकर। बी है ईटिंग मोर चॉकलेट्स, मोर यानी बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा कर। हैविंग स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम या स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाने के बाद, या जंपिंग हाई या फिर ऊंची यानी हाई जंप करने के बाद। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पोइम में डिस्कस किया था कि चिल्ड्रन कैन बी स्वेटर बाय, चिल्ड्रन है वो अच्छे कब बन सकते हैं, ओबेइंग दियर पेरेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओबेइंग दियर पेरेंट्स। सेकेंड है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द पोइट द चिल्ड्रन शुड वर्क, पोइट के अकॉर्डिंग बच्चों को क्या करना चाहिए, कौन सा वर्क करना चाहिए यानी कैसे वर्क करना चाहिए। फर्स्ट है होल हार्टेडली, सेकेंड है स्लोली, थर्ड है वन एवर दे फील लाइक, और फोर्थ है लेजली। होल हार्टेडली मतलब पूरे दिल से, स्लोली का मतलब धीरे से, वन एवर दे फील लाइक मतलब जब उनका मन करे, जब उनको अच्छा लगे। फोर्थ है लेजली यानी बहुत ही सुस्ती से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, होल हार्टेडली यानी पूरी पूरे दिल से हमें अपना काम है वो करना चाहिए। थर्ड स्टूडेंट्स, वी शुडंट टीज और कॉल नेम्स बिकॉज, यानी हमें शरारत नहीं करनी चाहिए, या हमने बुरे नेम से उनको नहीं बुलाना चाहिए। क्यों नहीं बुलाना चाहिए, इसका क्या कारण है। फर्स्ट है वी शुडंट हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स, कि हमें किसी भी फीलिंग्स, किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए। इट इज़ बैड टू डू सो, ऐसा करना एक बुरी आदत होती है। या थर्ड है गॉड डजेंट वॉन्ट अस टू डू रॉन्ग, या परमात्मा नहीं चाहता कि हम कुछ गलत करें। या डी है इसका ऑप्शन, ऑल दी अबोव, या सारे ही सही है। तो अकॉर्डिंग टू दी पोइम, पोइम के अनुसार जो भी बातें हमने पढ़ी है वो ये भी है कि हमें किसी की फीलिंग्स को हर्ट भी नहीं करना चाहिए ऐसे करना, या किसी के साथ शरारत करना ये बुरी बात भी होती है, और उसके बाद में है कि भगवान भी नहीं चाहते कि हम कुछ गलत करें। तो सारे ही इसके करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दी अबोव। उसके बाद में फोर्थ है स्टूडेंट्स, इट इज़ असेंशियल टू गेन नॉलेज, कि ज्ञान प्राप्त करना क्यों ज़रूरी है, क्या रीज़न है इसका। फॉर ए ब्राइट फ्यूचर, अच्छे भविष्य के लिए। विदाउट नॉलेज वी रिमेन टू इग्नोरेंट, यानी बिना ज्ञान के हम नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। या विदाउट नॉलेज वी कैन नॉट वॉच टेलीविजन, या बिना ज्ञान प्राप्त किए हम टेलीविजन को नहीं देख सकते। या बोथ ए एंड बी, या यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। तो इसका आंसर सही क्या होगा, कि बिना ज्ञान प्राप्त करना क्यों ज़रूरी है, एक तो अच्छे भविष्य के लिए, और दूसरा क्या है, विदाउट नॉलेज बिना ज्ञान के यानी बिना हम कुछ सीखे क्या होता है, वी रिमेन इग्नोरेंट यानी हम इग्नोर कर दिए जाते हैं, हमको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, यानी हम अच्छे नहीं बन सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट है, वी शुड कम्पीट विद, हमें किसके साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, यानी किसके साथ में अपनी बराबरी कह सकते हो या होड़ कह सकते हो, किसके साथ में कम्पीट करना चाहिए। अदर्स दूसरों के साथ, एवरी वन हर एक के साथ, नो वन किसी के साथ भी नहीं, और अवर सेल्फ का मतलब है खुद के साथ में। तो हमने पढ़ा था वी शुड कम्पीट विद अवर सेल्फ, यानी हमें स्वयं के साथ में, हमें खुद के साथ में ही कम्पीट करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवर सेल्फ। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं पोइम के। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुडंट वी जज अदर्स, कि हमें दूसरों को जज क्यों नहीं करना चाहिए। हमने पोइम में रीड किया था कि हमें दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, इट्स इज ए बैड हैबिट, ये एक बैड हैबिट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिकॉज इट इज ए बैड हैबिट, क्योंकि ये एक बुरी बात है। एंड वी डोंट हैव ए राइट टू जज अदर्स, और हमारे पास में दूसरों को जज करने का कोई हक नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता। तो इसमें अकॉर्डिंग टू यू
यानी अकॉर्डिंग टू द पोएम या अकॉर्डिंग टू योर आंसर देना था, तो इसका आंसर ये करेक्ट आंसर है, बिकॉज इट इज़ ए बैड हैबिट, क्योंकि एक बुरी आदत है, एंड वी डोंट हैव ए राइट टू जज अदर्स, और हमारे पास में दूसरों को जज करने का कोई अधिकार नहीं होता। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ शुड वी ट्रीट अवर सिस्टर एंड ब्रदर्स, हमें अपने सिस्टर एंड ब्रदर्स के साथ में कैसे रहना चाहिए या उनके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, वी शुड लिव विद अवर सिबलिंग्स कंफर्टेबली एंड लविंगली। सिबलिंग्स का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स भाई बहन, कंफर्टेबली मतलब आराम से, लविंगली मतलब प्यार से, यानी हमें अपने भाई बहनों के साथ आराम से और प्यार से रहना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वट डज गॉड वॉन्ट्स अस टू डू, परमात्मा हमसे क्या चाहता है या क्या करने को चाहता है। पोएम में आया था कि भगवान चाहते हैं कि हम अच्छे बने, मजबूत बने, तो इसका सही आंसर है गॉड वॉन्ट्स अस टू बी गुड एंड स्ट्रांग, परमात्मा हमसे ये चाहते हैं कि हम टू बी गुड, अच्छे बने एंड स्ट्रांग और ताकतवर बने। तो आई होप स्टूडेंट्स, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आपको इस पोएम, आपने इस पोएम को बहुत अच्छे से रीड किया है और इसको समझा भी है, तो आपने इस पोइम के एक्सरसाइज और जो ये 3 क्वेश्चन आंसर करवाए हैं, ये अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में इनको राइट करना है और साथ में इनको लर्न भी करना है। थैंक यू सो मच।